मिस्ट्री यानी कि रॉक शुगर चीनी का दूसरा ऑप्शन माना जाता है। दरअसल शक्कर के जमे हुए कण को ही मिस्ट्री कहते हैं। यूं तो अक्सर आप खाना खाने के बाद मिस्ट्री और सौंफ का सेवन करते होंगे, लेकिन इससे कई हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर मिस्ट्री के पानी का सेवन करते हैं। बता दें कि सुबह सुबह मिस्ट्री का पानी पीने से शरीर को ठंडक पहुँचती है और लू नहीं लगती। मिश्री का पानी वैसे तो काफी लाभदायक होता है क्योंकि इसमें मिठास और ठंडक दोनों ही गुण होते हैं। तेज गर्मी में मिश्री का पानी अगर पिया जाए तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। एक ग्लास पानी में मिश्री को मिलाकर पीने से शरीर को गर्मी से राहत मिलती है। अगर आप इसका खाली पेट सेवन करते हैं तो यह आपके हाथ और पैरों की जलन को दूर करता है। हीमोग्लोबिन के स्तर को ये बेहतर बनाता है। नाक से खून आने की समस्या को बचाता है। दरअसल गर्मी में बहुत से लोगों को नाक में खून आने की समस्या होती है। ये पानी की कमी या नाक सूख जाने की वजह से भी होता है। ऐसे में सुबह उठकर अगर मिश्री का पानी का सेवन किया जाए तो ये रामबाण इलाज साबित हो सकता है। ये मुँह के छालों को दूर करता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मिश्री का पानी तैयार कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको रात में एक लोटे में या मग में मिश्री और पानी भर कर रख दें। उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें और सुबह उठकर उसमें पुदीना पीसकर मिला लें। आप चाहे तो इसमें हल्का काला नमक भी मिला सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।